तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं, ये जो लक्ष्मी मूवी का नया सॉन्ग आया है बम भोले, इस सॉन्ग से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा, तो आप किसका नाम लेंगे? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वरना मैं बताता हूं। तो दोस्तों इस सॉन्ग से सबसे ज्यादा फायदा होगा उन लोगों को जो शिवरात्रि पे डीजे बजाते हैं ना, उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा इस सॉन्ग से, क्योंकि यार एनर्जी से भरा हुआ है सॉन्ग और महाकाल का इतना जबरदस्त सॉन्ग, और जब ये सॉन्ग शिवरात्रि पर डीजे पे बजेगा ना, तो भाई साहब पैर थिरकने तो निश्चित है यार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी कॉर्नर वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, अक्षय कुमार की आने वाली मूवी लक्ष्मी का नया सॉन्ग बम भोले रिलीज हो चुका है। और भाई साहब जब आपको पता चले कि इस एनर्जी से भरे हुए सॉन्ग में एनर्जी से भरे हुए इंसान अक्षय कुमार के डांस का तड़का लगा हुआ है, तो दोस्तों ब्लास्ट होना तो निश्चित है। और दोस्तों अगर मैं आपको ऑनेस्टली कहूं ना, ऐसा डांस जो अक्षय कुमार ने इस बम भोले सॉन्ग में किया है, ऐसा डांस लास्ट मैंने देखा था रणवीर सिंह का खली बली सॉन्ग में। क्या डांस किया था उसने, एकदम एनर्जी से भरा हुआ डांस था वो। और भाई साहब वैसा ही डांस अक्षय कुमार ने किया है इस बम भोले सॉन्ग में। अरे हम तो कहता है उस डांस से भी कहीं गुना ज्यादा अच्छा अक्षय कुमार का यही डांस है। ये मैं बिहार का कैसे बन गया? लगता है इलेक्शन आने वाले ना इसीलिए। और दोस्तों अक्षय कुमार इस सॉन्ग में एक ट्रांसजेंडर के रूप में डांस करते हैं, और जब वो सॉन्ग के साथ साथ मुंह से शिव तांडव नरेट करते हैं ना, उसको देखने का तो अलग ही मजा आता है भाई साहब। एंड दोस्तों दिस सॉन्ग इज संग बाय कोरोना वायरस नहीं सिर्फ वायरस। अबे ये कैसा नाम है बे? और भाई साहब मैं तो दाद देना चाहता हूँ इस सॉन्ग के कोरियोग्राफर की। अरे भाई ऐसा डांस कैसे करवा लेते हो अक्षय कुमार से? सबसे मेन स्टेप तो अक्षय कुमार का मुझे वो बढ़िया लगा जब वो करता है ना बम भोले बम, वो तो आपने देख लिया होगा सॉन्ग में, सबसे बढ़िया। और जब इसी के ऊपर तड़का लगता है स्लो मोशन का, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे यही तो खासियत है हमारे खिलाड़ी कुमार की, मुझे ये समझ नहीं आता कैसा आदमी है ये। इस आदमी को जो रोल दो सारे रोल में अपने आप ही फिट हो जाता है। आशिक का रोल बढ़िया करके देगा, हीरो का रोल वो तो करता ही रहता है उसमें भी बढ़िया करके देता है, विलन का रोल अभी तक किया नहीं है विलन का, करेगा तो उसमें भी बढ़िया करके देगा, पुलिस का रोल वो तो भाई साहब करता ही रहता है ये आदमी। अब आया है ट्रांसजेंडर्स के ऊपर, इसमें भी एक नंबर काम किया है, अपना तो इंसानियत से विश्वास ही उड़ गया है अब तो। और दोस्तों दिस सॉन्ग इज कंपोज्ड बाय कैरी मिनाटी। कैरी मिनाटी? अबे वो तो रोस्टर है। सॉरी लगता है गलती हो रही है, कैरी नहीं उल्लू मिनाटी। अबे कैसा नाम है ये, गाना गाया है वायरस ने, कंपोज किया है उल्लू मिनाटी ने, ये भी कोई नाम होते हैं? तभी तो मैं कहूं ये सॉन्ग इतना सर्च में क्यों आ रहा है, क्योंकि लोग यूट्यूब पे सर्च करते होंगे कोरोना वायरस, लेकिन सामने आ जाता होगा ये सॉन्ग क्योंकि इसके टाइटल में ही वायरस लिखा हुआ है, तो लोग कोरोना को भूल के इस सॉन्ग पे क्लिक कर देते हैं और एंजॉय करने लगते हैं। और भाई साहब जिन्होंने इस सॉन्ग को अपलोड किया है वो तो पैसे छाप रहे हैं, तो पैसा ही पैसा होगा। तो दोस्तों ओवरऑल दिस सॉन्ग इज बेस्ट। असली मजा तो तब आएगा जब ये सॉन्ग शिवरात्रि पे डीजेस पे बजेगा और लोग थिरकेंगे, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये था मेरा सॉन्ग रिएक्शन इस बम भोले का। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें यार, जैसे ही मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय, टेक केयर।